हेलो एवरीवन, हरियाणा जी के में आज हम बात कर रहे हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, तो जो यमुनानगर का पुराना नाम था वह था अब्दुल्लापुर, और एट प्रेजेंट इसे हम पेपर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा वन मिलते हैं, सबसे ज्यादा वन। कब यह एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना? 1 नवंबर 1989 को अंबाला से अलग किया गया इसे, अंबाला से अलग करके इसे एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ओके, मुख्यालय कहाँ है? यमुनानगर मुख्यालय है, यमुना नगर। उपमंडल, उपमंडल कौन से हैं? जगाधरी और बिलासपुर, जगाधरी और बिलासपुर। तहसील, तहसील इसमें आते हैं, जगाधरी आता है, बिलासपुर आता है, छछरौली और रादौर। ओके, उपतहसील, उपतहसील साढ़ोरा और मुस्तफाबाद, साढ़ोरा और मुस्तफाबाद। खंड, ये सभी जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली, रादौर, साढ़ोरा और मुस्तफाबाद। तो खंड कितने हैं टोटल? 6। प्रमुख नदी, प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, यमुना नदी। प्रमुख फसलें, गन्ना, गेहूं, चना, मक्का, ये सब प्रमुख फसलें हैं। ओके, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रे पेलिकन, ग्रे पेलिकन 1995 में एस्टाब्लिश किया गया था। और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 77.99% है। ओके, जो यमुनानगर है इसे उद्योग धंधों के लिए भी ख्याति प्राप्त है। ओके, तो यमुनानगर में 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल स्थापित की गई थी 1929 में। ओके, 1933 में सरस्वती शुगर मिल स्थापित की गई, साथ के साथ यहां पर 1938 में, 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड स्थापित की गई थी, और यहीं पे 1952 में, 1952 में कैरेज एवं वैगन, 1952 में कैरेज एवं वैगन की जो वर्कशॉप है वो स्थापित की गई। ओके, और यमुनानगर में ही
सबसे पुरानी जो रेलवे वर्कशॉप है वह भी है 1865 में, एशिया की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप, सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप। ओके, ट्विन सिटी, ट्विन सिटी हम कह देते हैं जगाधरी और यमुना नगर को, इन दोनों को हम मिलाकर कह देते हैं ट्विन सिटी। ओके, जो छछरौली है उसे जाना जाता है हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से, और यहां पे सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा बारिश की वजह से। ओके, फिर यहीं पे कलेसर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क जो एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड का फुटबॉल स्टेडियम, और जगाधरी में तेजली स्टेडियम, जगाधरी में क्या स्थित है, तेजली स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट आगे आता है इसमें सुनील दत्त और संजय दत्त, बॉलीवुड हीरोज, उनका संबंध यमुनानगर के मांडोली से है, उनका संबंध यमुनानगर के मांडोली से है। ओके, कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल गुजर एमएलए हैं यहां से, और जो स्पीकर भी हैं संजीव राजपूत, उनका संबंध शूटिंग। ओके, फिर इसमें आगे जो आता है हमारा दर्शनलाल जैन, उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया, किसके लिए, क्योंकि उन्होंने सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए अथक प्रयास किए, इसलिए उन्हें क्या मिला, पद्म भूषण मिला। ओके, जो जगाधरी है उसका पुराना नाम, जगाधरी का जो पुराना नाम है युगंधर, तो जो पुराना नाम है जगाधरी का वह क्या है, युगंधर। सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर में है, सबसे ज्यादा गांव 655। ओके, यहीं पर चौधरी
छोटू राम, थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो ये भी आपका यमुनानगर में ही है। और भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला में, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र 30 फीट ऊंचा कहां से? टोपरा कला से प्राप्त हुआ। ओके, प्लाईवुड मार्केट, प्लाईवुड मार्केट सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट सबसे बड़ी और यहीं से अंत्योदय आहार योजना, अंत्योदय आहार योजना 17 जनवरी 2018 को शुरू की, गरीबों को भोजन देने के लिए, गरीबों को भोजन के लिए इसके तहत कैंटीन खोली जाएंगी, इसके तहत कैंटीन खोली जाएंगी जिसमें गरीबों को भोजन मिल सकेगा। फिर इसमें आगे जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट वुमेन चीफ कोच बनाया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो पहली वुमेन चीफ कोच बनाई उनका नाम अमनप्रीत कौर, अमनप्रीत कौर, और उनका संबंध कहां से है? यमुनानगर से है। ओके, यहीं पर यमुना नदी पर, यमुना नदी पर हथनीकुंड बांध जिसे ताजेवाला बांध भी कहा जाता है, जिसे ताजेवाला बांध भी कहा जाता है। ओके, बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल, इसे बुढ़िया, बुढ़िया नामक जगह पर है तो इसे बुढ़िया का रंग महल भी कह दिया जाता है। ओके, फिर चनेटी, चनेटी का स्तूप महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और एक कौन से गांव में है? गांव सूद, इसके बारे में चीनी यात्री हैंसुआंग ने बताया था। ओके, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन, और इसके बारे में मान्यता है यहां गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने 52 दिन पड़ाव डाला और अपने शस्त्रों को यहां के उसमें सरोवर में धोया था। ओके, अगला इसमें आता है चिट्टा मंदिर,
चिट्ठा मंदिर। तो यहां पर हनुमान जी की सफेद मूर्ति है, सफेद मूर्ति है जो बहुत ज्यादा पुरानी है। साथ के साथ इस जगह को गंगानंद गिरी जी, महर्षि गंगानंद गिरी जी की तपोभूमि भी माना जाता है। ओके, साथ के साथ जो बसंतर नगर है उसका संबंध राजा शांतनु से माना गया है, राजा शांतनु से माना गया है। और यहीं के यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान पर जो आदिबद्री नामक स्थान है यहां इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। ओके, सरस्वती नदी के किनारे गणेश जी ने महाभारत लिखी और सुनाई थी वेद व्यास जी ने सुनाई थी। ओके, यहीं पर जो बिलासपुर उसे वेद व्यास जी की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ यहां पे कपालमोचन गुरुद्वारा। ओके, यहीं पे लक्कड़हारा मंदिर भी स्थित है। ओके, पंचमुखी हनुमान मंदिर यह भी यमुनानगर में ही है। ओके, फिर इसमें एक आता है कलसिया रियासत, तो इसे छछरौली रियासत के नाम से भी जाना जाता है। कलसिया रियासत को ही छछरौली रियासत के नाम से जाना जाता है। और जो कलसिया का किला इसे रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर जो स्थल है यहां पर साढ़ोरा को साधुओं के लिए जाना जाता है। ओके, और यहां के तीन मंदिर हैं मनोकामना
मनोकामना मंदिर, दूसरा है हमारा तारा वाला मंदिर, ओके मनोकामना मंदिर, तोरा वाला, मनोकामना मंदिर, तोरा वाला मंदिर, साथ के साथ गागर वाला मंदिर, गागर वाला मंदिर। ये तीन प्रमुख मंदिर है जो कहां मौजूद है, साढ़ोरा में, ओके। और यहीं पे एक पीर बुद्धू शाह के नाम से भी जाना जाता है साढ़ोरा को, ओके। मेले कौन कौन से हैं यमुनानगर में, जो मेले लगते हैं, आदिभद्री का मेला, कपाल मोचन मेला, बावन द्वादशी, ये लगता है गौरीशंकर मंदिर जगाधरी में, ओके। हजरत शाह का मेला, और पंचमुखी मेला, ओके। तो ये था हमारे किसके बारे में, हरियाणा जीके के बारे में, ओके, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू।